इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक जनरेटर का इंजन है पूरा का पूरा। और ये जो जनरेटर का इंजन है, ये वाला हमारा पंप है, ये इनलाइन पंप है। तो यहाँ पे सप्लाई पंप है, सबसे पहले फीड पंप भी कहते हैं। तो फीड पंप जो है इससे जुड़ा हुआ है FIP से, और ये चार सिलेंडर का है, 1, 2, 3, 4 होल्डर हैं FIP पे। और ऐसे भी आप देख सकते हैं सारे पाइप जो हैं निकल के चार इंजेक्टर में लग रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये वापसी के पाइप हैं, इसमें से रिटर्न निकलती है, जो डीजल बच जाता है वो वापस टैंक में लौट जाता है। तो ये इसमें FIP इनलाइन लगा हुआ है, बॉश कंपनी का है। और ये ही FIP है, ये जो काम करता है कि कितना फ्यूल जाएगा, ये FIP का गवर्नर है। FIP के नीचे वाले पार्ट में ऑयल चलता है और ऊपर वाले पार्ट में इस गैलरी में डीजल। तो ये यहाँ से ये वाला पॉइंट इनलेट का है, और ये वाला वैसे यहाँ पे गलत लगे हुए दोनों, ये इनलेट का है और ये जो है ओवरफ्लो का है। बट कुछ कुछ में जो कनेक्शन है वो इसी तरीके से होते हैं कि यहाँ से तो इनलेट का होता है और यहाँ से वापसी का होता है। तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड FIP से, तो वो जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।